कई बार काम करते समय, उठते बैठते समय या फिर अंगड़ाई लेते समय पैर की नस चढ़ जाती है। नस पर नस चढ़ना काफी कॉमन हो गया है, जिससे बहुत ही तेज दर्द होता है। नसों में नस चढ़ने की वजह से हम ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। कई बार इसमें मांसपेशियां तेजी से सिकुड़ जाती है। इस दौरान मांसपेशियों में कठोर गांठ भी बन जाती है। हालांकि ये खतरनाक नहीं होता, लेकिन कुछ मामले में यह टेंशन का कारण बन सकता है। अगर आपको यह तकलीफ ज्यादा हो रही है तो आप इसे इग्नोर ना करें। इसके पीछे के कारणों को जानने की कोशिश करें कि नस पर नस क्यों चढ़ रही है, नस क्यों दब रही है बार बार, नसें कमजोर क्यों हो रही है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको नसों की कमजोरी, नसों के ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए बहुत ही पावरफुल घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं, जिसके इस्तेमाल से आप नसों की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। ये जो आप रेमेडी देख रहे हैं, ये आपके नसों की कमजोरी, दबी हुई नस, वेरिकोज वेन को पूरी तरह से ठीक कर देगा। इसके साथ ही यह जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, थकान और कमजोरी की प्रॉब्लम के साथ साथ डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, खराब कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम में फायदा करेगा। नसों की बीमारियों के पीछे के कारणों की अगर बात की जाए तो शरीर में पानी की कमी, ब्लड में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की कमी होने के कारण भी ये हो सकती है। नस चढ़ने की प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है। इसके अलावा पेशाब ज्यादा होने वाली, डायुरेटिक दवाओं के सेवन करने की वजह से पैर के नसों की अंदरूनी सतह में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से नसें सिकुड़ जाती है। उस वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और नस पे नस चढ़ने की समस्या या फिर नसें कमजोर हो जाती है। इसके अलावा ज्यादा सिगरेट, तंबाकू, शराब के सेवन करने, किसी भी तरह के इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो सकती है। नसें सिकुड़ने लगती है, सुस्त पड़ने लगती है। इसके साथ ही इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ नहीं पाता और हम अक्सर बीमार होने लगते हैं। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, हार्ट स्ट्रोक, किडनी प्रॉब्लम होने की वजहों से भी नसें कमजोर हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं नसों की कमजोरी, नस में नस चढ़ने की समस्या या फिर नसों के दबने की प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैं जो आपको रेमेडी बता रहा हूँ, उस रेमेडी का इस्तेमाल आपको लगातार 45 दिनों तक करना है, यानी कि 1.5 महीने तक करना है। ये जो उपाय हम बनाने वाले हैं दोस्तों पूरी तरह से नेचुरल है, तो बेफिक्र कर लीजिएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। चलिए जानते हैं इसे तैयार कैसे करना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर दालचीनी। दोस्तों शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। नसें तभी तक अच्छे से काम करती है जब खून नसों में अच्छे से बहे। नसों में इस तरह खून बहने को बायो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में अगर ब्लड नहीं पहुंच रहा हो तो वह हिस्सा सुन्न हो जाता है, ऐठन होने लगती है और उस जगह पर हाथ लगाने पर ठंडा महसूस होता है, उस हिस्से में दर्द होने लगता है। तो यहाँ पर दालचीनी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। दालचीनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, हार्ट को हेल्दी रखती है, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल जमने से रोकती है, ये वजन को घटाती है, शरीर में जमी एक्स्ट्रा चर्बी को रिड्यूस करती है, जोड़ों व घुटनों के दर्द, अर्थराइटिस, गठिया के दर्द से भी ये आराम दिलाती है। अगली चीज जो हम यहाँ पर लेंगे दोस्तों वो है अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स। दोस्तों अलसी नसों की कमजोरी को दूर करती है, नसों के ब्लॉकेज को खोलती है, शरीर में हड्डियों की कमजोरी इससे दूर होती है, कैल्शियम की कमी दूर होती है। इसके अलावा अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, समय से पहले चेहरे पर एजिंग दिख रही है, चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं, बाल कमजोर होकर गिर रहे हैं या फिर आप मोटापे से परेशान हैं, आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, तो उसको भी ये ठीक करती है। यहाँ पर हम अगली चीज जो लेंगे वो है तेज पत्ता यानी कि बेलीफ। दोस्तों बेलीफ भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ये खाने के स्वाद को बढ़ाता ही है, साथ ही साथ ये हमारे जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए, साइटिका के लिए, दबी नसों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये तेज पत्ता नसों में मजबूती लाता है, खून के बहाव को तेज करता है, नसों में जो ब्लॉकेज है ब्लॉकेज को हटाने का काम करता है। अगली चीज हम यहाँ पर लेने वाले हैं दोस्तों वो है काली मिर्च। काली मिर्च औषधीय गुणों से भरपूर होती है। ये सर्दी, जुकाम, वायरल फीवर को ठीक करती है, ये बंद नसों को खोलती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, पेट में गैस, एसिडिटी के प्रॉब्लम को ठीक करती है। इसके अलावा ये वजन घटाने में मदद करती है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करती है। काली मिर्च स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है क्योंकि इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है, ये कील मुहासों की समस्या को दूर कर स्किन को हमेशा जवां बनाए रखती है। इसके साथ ही ये कफ और वात नाशक होती है, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द और छाती में जमे बलगम से छुटकारा दिलाती है।
इसके साथ ही हम यहाँ पर लेंगे मगज़ के बीज। दोस्तों ये बीज भी शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन होते हैं। ये हमारे नसों की कमजोरी को दूर करता है, बंद नसों को खोलता है, ये हार्ट को हेल्दी रखता है, ये दिमागी शक्ति को बढ़ाता है, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। इसके अलावा हम लेंगे दोस्तों अखरोट यानी कि वॉलनट। अखरोट हमारे दिमाग को स्ट्रॉन्ग करता है, ये मेमोरी को शार्प करता है, नसों की कमजोरी और ब्लॉकेज को दूर करने के साथ साथ जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा नर्व से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनमें ये बहुत फायदा करता है। तो यहाँ पर आपको इस तरह का अखरोट लेकर आना है और इसे तोड़कर ही अखरोट की गिरी का इस्तेमाल करना है। चलिए जानते हैं इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है। तो सबसे पहले आप अलसी को भून लीजिएगा, तवे पर ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ अलसी को भून लिया है और हम 4 चम्मच के बराबर भुना हुआ अलसी लेंगे। इसके अलावा 4 अखरोट की गिरी लेनी है, 4 मीडियम आकार के तेज पत्ते लेने हैं, 4 चम्मच तरबूज के बीज लिए हैं, 10 से 12 काली मिर्च लिया है और इतनी सी मात्रा में दालचीनी लिया हुआ है। आपके पास दालचीनी पाउडर हो तो यहाँ पर 1/2 चम्मच पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर पर ही दालचीनी कूट कर आप पाउडर बनाइएगा। चलिए इन सभी चीजों को आपको मिक्सी में डालकर इसे पीस लेना है, इसका पाउडर तैयार कर लेना है। ये आप देख सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इसको मैंने ज्यादा मात्रा में बनाया है इसलिए हम इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर स्टोर करके रख लेंगे। इसे आप 15 से 20 दिनों तक आराम से स्टोर करके रख सकते हो, ये खराब नहीं होता। जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसके लिए आपको लेना है 1 गिलास गुनगुना पानी और फिर इसके अंदर आपको इस पाउडर का 1 बड़ा चम्मच डाल देना है और अच्छे से मिला लेना है और फिर इसको आपको सिप सिप करके पी जाना है और ऐसा आपको रात को सोने से पहले करना है। आप चाहें तो सुबह सुबह खाली पेट इसे ले सकते हैं, लेकिन इसे लेने के 1/2 घंटे से लेकर 45 मिनट तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। दोस्तों इसके इस्तेमाल से नसों की कमजोरी दूर हो जाएगी, बंद नसें आपकी खुल जाएगी, ये ब्लॉकेज को खोलने का रामबाण औषधि है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द, गठिया, अर्थराइटिस के लिए तो यह बहुत ही जबरदस्त नुस्खा है। इससे आपको वेरिकोज वेंस में भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा कुछ बातों का ध्यान दीजिएगा तब यह दवाई आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर पाएगी। अगर आपका वजन ज्यादा है तो इसे घटाएं, रोज सैर पर जाएं या जॉगिंग करें, इससे टांगों की नसें मजबूत होती है। फाइबर वाली चीजें खाएं, है ना, जैसे कि आप चोकर वाली चपाती खा सकते हैं, ब्राउन राइस खा सकते हैं, सब्जियां व फल खा सकते हैं। इसके साथ ही सोते समय पैरों के नीचे मोटा तकिया रखकर सोएं। जहां पर नस चढ़ गई है वहां पर आप बर्फ की ठंडी सिकाई कर सकते हैं, ऐसा आप दिन में 3 से 4 बार करें। इसके अलावा मैदे से बनी चीज, बेकरी चीज का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए, मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। मीठा में आपको चीनी खाना बंद करना है, आप चाहे तो गुड़ खा सकते हैं। डाइट में नींबू पानी, नारियल पानी, मौसमी फल, अनार, सेब, पपीता, केला आदि शामिल करें। सब्जियों में पालक, टमाटर, सलाद, फलियां, आलू, गाजर, चुकंदर आदि का खूब सेवन करें। इनमें बहुत सारा विटामिन सी, विटामिन ई होता है और मैग्नीशियम होता है जो नसों को मजबूती देता है। इसके साथ ही आपको ओमेगा-3 फैटी एसिड जरूर लेना है। वैसे जो मैंने आपको रेमेडी बताया इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड काफी मात्रा में है, लेकिन फिर भी आप ऐसी चीजों को डाइट में शामिल कीजिए जिसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड काफी मात्रा में हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मछली और अंडे को डाइट में शामिल कीजिए, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप रोजाना अखरोट या फिर अलसी को डाइट में अलग से शामिल कर सकते हैं, या फिर आप डॉक्टर से बात करके ओमेगा-3 फैटी एसिड की सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। इससे दोस्तों नसों की कमजोरी बहुत ही तेजी से दूर होती है। इसके अलावा शरीर में ब्लड क्लॉट्स नहीं जमने देती वो चीज है लहसुन। नस चढ़ने या फिर कमजोरी आने का मेन कारण होता है हमारे नसों में ब्लड का फ्लो प्रॉपर ना होना, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में नहीं हो पाता और बॉडी के जो नसें होती हैं वो कमजोर होने लगती है। इसलिए आपको लहसुन जरूर खाना चाहिए जो नसों में ब्लड क्लॉट्स नहीं जमने देता। लहसुन में दोस्तों एलिसिन होता है और इसमें सल्फर की मात्रा अच्छी होती है, इसलिए रोजाना लहसुन खाने से आपको ब्लड सर्कुलेशन की समस्या और दिल की बीमारियों से काफी हद तक बचा कर रखता है। तो रोजाना आप 2 कच्चा कली लहसुन खाना शुरू कर दीजिए, ऐसा आप सुबह नाश्ता करने के 1/2 घंटे पहले या फिर 1/2 घंटे के बाद भी खा सकते हैं।
इसके साथ ही विटामिन B12 का भी ध्यान रखना है। विटामिन B12 के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट या फिर अंडे या मछली डाइट में शामिल कर सकते हैं, नहीं तो डॉक्टर से बात कर B12 का सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप नसों की कमजोरी, नस के रोग, नस में नस चढ़ने की समस्या, दबी नस की समस्या और ब्लॉकेज की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं।